अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूं। ठंड का दिन आ गया है तो ठंड में मटन खाना तो बनता ही है और मटन की बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आपको विलेज स्टाइल ढाबा स्टाइल मटन बताने वाली हूँ, लेकिन मैं तेल कम डालूंगी और प्याज बहुत ही महंगी हो गई है, 100 रुपीज केजी तक चल गई है, तो मैं प्याज का भी कम यूज करूंगी, लेकिन आपको टेस्ट वही मिलेगी जो ज्यादा प्याज डालकर ढाबा वाले या विलेज में बनाई जाती है। और ग्रेवी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि बिल्कुल सीक्रेट है, जिसे आप मेरी वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं ग्रेवी को प्याज कम डालकर बनाने के लिए, लेकिन इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा, तो आप इसे पूरी जरूर देखिएगा वीडियो को। और प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन से प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं किचन में और बताते हैं कैसे बनती है ये विलेज स्टाइल ढाबा स्टाइल मटन करी और कम प्याज में। ये हमारी विलेज स्टाइल मटन करी बन गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई करेंगे इस तरह के मटन को तो बार बार आप इसी तरह के बना के खाना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल हड्डी में से भी मटन हमारा अलग हो गया है। तो इस मटन को विलेज स्टाइल ढाबा स्टाइल मटन करी को बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स है मेरे इस रेसिपी में, जिसे आप पूरी देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनती है विलेज स्टाइल ढाबा स्टाइल मटन करी। तो ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए मैं बहुत ही कम, अभी प्याज काफी महंगी हुई है तो बहुत ही कम तेल और प्याज का मैं इस्तेमाल करके ढाबा स्टाइल बिल्कुल वही टेस्ट और वही लुक आएगा वो मटन करी आपको बता रही हूँ। उसके लिए मैंने लिए 1/2 kg मटन, इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमने रख लिया है। एक छोटे साइज का प्याज लिया हमने, बिल्कुल छोटा, रफली चॉप कर लिया है। 10 कली लहसुन के हैं और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, छोटे टुकड़ों में काट लिया। पहले हम इन तीनों चीजों का पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज अदरक लहसुन का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलिए हम मटन को पहले मैरिनेट करते हैं। तो देखिए मटन में हम क्या करेंगे, जो अदरक लहसुन और मिर्च अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है उसे डाल देंगे। तो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दही। 1/4 कप हम दही डाल देंगे इसमें, क्योंकि प्याज हमने कम इस्तेमाल किया है तो दही से हम ग्रेवी बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून मीट मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, सिर्फ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके यदि हाथों से करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि सारे मटन में ये हमारे मसाले मैरिनेट हो जाएंगे। मैं हाथों से ही करूंगी इसे। और इसे हम आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं, आधे घंटे में ये मैरिनेट हो जाएगी। हाथों से अच्छी तरह से हमने मैरिनेशन सारे पर लगा दी है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है।
और विलेज में या ढाबा में इसी से बनती है। तो उसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 तेज पत्ते, ये बड़ी इलायची के छिलके हमने निकाल लिए हैं, आधा बड़ी इलायची है, 1 हरी मिर्च को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है, और 1 सूखी लाल मिर्च है जिसे हमने बीच से तोड़ लिया है, और ये 5 लौंग। तो ऑयल देखते हैं गर्म हो गई है, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, लौंग, लाल मिर्च और ये इलायची। सारी चीजें फ्राई हो गई है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पर ही हम डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। तेल में हल्दी और मिर्च डालने से कलर काफी अच्छा आता है किसी भी सब्जी का, और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 छोटे साइज की प्याज को हमने कट कर लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट, जैसे ये थोड़ी सी गल जाए बस उतना ही हमें फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो थोड़ा सा कम से कम 2 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ये जो 1 मीडियम साइज की टमाटर है हमने इसे रफली चॉप किया हुआ, इसे डाल देंगे, और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी ये थोड़ी सी नमक, 1/4 टीस्पून, पहले भी हमने मैरिनेशन में नमक डाला है। तो अब हम इसे टमाटर गलने तक, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्याज और टमाटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 1/2 घंटे मैरिनेट किए हुए मटर। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में ही पका सकते हैं, क्योंकि विलेज में या ढाबे में इसी चीज में पकाई जाती है, कुकर वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसमें बहुत ही समय लग जाता है, आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी कढ़ाई में, उसके बाद मैं इसे कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि समय ज्यादा ना लगे। तो अब हम इसे ढक कर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे इसका कलर भी काफी अच्छा आएगा और टेस्ट तो मत पूछिए, बहुत ही एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ये मैं 1 टीस्पून सुगर डाल रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। और इसे गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम टू लो रखा हुआ था, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे, पूरा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई करेंगे या मीडियम फ्लेम पर। इसे अब हम ढक देते हैं और ढक कर हम 5-5 मिनट में चलाते हुए इसे भून लेते हैं। तो देखिए ये 15 मिनट हो चुके हैं, वाव आप कलर देख सकते हैं, ऑयल हमारी ऊपर आ गई है। तो 5-5 मिनट में हमने इसे बीच बीच में चलाया है, तो 2 से 3 बार हमने इसे चला लिया है, और 15 मिनट के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, ऑयल हमारी ऊपर आ गई है और ये मटन हमारी भून गई है। तो यदि आपको हड़बड़ी नहीं है, किसी चीज की जल्दी नहीं है, तो आप इसी तरह से ढककर इसे और 15 से 20 मिनट पकाइए ताकि मटन हमारा पक जाए। तो आपको बिल्कुल विलेज और ढाबा वाले टेस्ट मिलेगी, ऐसे भी टेस्ट मिलेगी, हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट किया है, भुना है। अब मैं इसमें इसे जल्दी बनाने के लिए, मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं इसे कुकर में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो देखिए हमने 15 मिनट भुना है मटन को कढ़ाई में, और हड़बड़ी है, जल्दी है, इसलिए मैं इसे कुकर में ट्रांसफर कर दी हूँ। पहले मैंने मैरिनेशन में मीट मसाला 1 टीस्पून डाला था, 1 टीस्पून मैं और डाल दूंगी। यदि आपका मटन अधिक है तो आप पूरे 1 पैकेट डाल दीजिए, 1/2 केजी के लिए मैंने 2 टीस्पून ऐड किया। लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। तो ये बन मसाले को हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, और आप कलर देख सकते हैं मटन की कलर बिल्कुल अलग आई है, और पानी मैं बिल्कुल नहीं ऐड की हूँ इसमें, जो भी मैरिनेट करके हमने रखा था और प्याज वगैरह की पानी चुकी है। तो इसे मैं ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर, आधा मटन हमारा पक चुका है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 4 सीटी आने तक इसमें इसे पका लेना। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस मटन की लुक को, और कुछ टिप्स, कुछ चीज मैंने इसमें ली है, मैं आपको बता देती हूँ कि मटन में मैंने थोड़ी सी इसकी फैट ली है,
तो फैट लेने से क्या होता है, विलेज वाले फैट जरूर डालते हैं, ढाबे वाले भी डालते हैं, उससे मटन का टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा फैट भी यूज किया है। यदि आपको फैट पसंद हो तो जरूर डालिएगा, थोड़ी सी ही डालिएगा लेकिन डालिएगा जरूर, उससे मटन का टेस्ट काफी अच्छा आता है, एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए इसमें 4 सीटी आने तक इसे पकने देते हैं। तो देखिए हमने 5 सीटी इसमें आने तक इसे पका लिया है। कभी कभी मटन नहीं गलती है तो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बंद कीजिएगा। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ। 4 सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था और जब ये कुकर ठंडा हो गया, गैस इसका निकल गया, तब मैं इसे खोल रही हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर देख सकते हैं आप, बिल्कुल कितनी सुंदर कलर आई है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके पहले दिखा देती हूँ कि हमारी मटन पकी है या नहीं। छोटा सा पीस ही लेती हूँ मैं। देखिए ये मटन हमारी अच्छी तरह से पक गई है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कट रही है, यानी ये पक गई है। यहां पर मैं डाल दूंगी अब गरम मसाला, अभी तक हमने ऐड नहीं किया था तो गरम मसाला मैं डाल दूंगी। लगभग 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी मैं ये कोरिएंडर लीफ डाल रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। तो आप नहीं पसंद करते तो बिल्कुल मत डालिएगा, स्किप कीजिएगा इसे। और इसे हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। आपको यदि और ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डालकर ग्रेवी बना सकते हैं। और इस तरह से मैं ढक्कन 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि धनिया पत्ती और गरम मसाले की खुशबू मटन में हमारी चली जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और धनिया पत्ती और गरम मसाले की खुशबू हमारे मटन में आ गई है और आप देख सकते हैं मटन का कलर मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है फ्रेंड्स, विलेज स्टाइल, ढाबा स्टाइल भी बोल सकते हैं आप इसे, और बहुत ही अच्छी बनी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस टिप्स और ट्रिक्स को। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसे दिए हैं जिसे ट्राई आप जरूर कीजिएगा एक बार ट्राई करके। अपनी फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप इसे रोटी, चावल, नान, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।